अरे बिटिया चलो धाम की राह, अरे धाम से ने हला गाई ले ली। अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। आज क्या बोली है कि बिटिया चलो धाम की राह, हम से है प्रीत लगाए। कहने लगी है सुनो मम्मी, अरे मैया मेरी सास लड़ रही दिन रात, अरे मैया मेरी सास लड़े है दिन रात, सासू को क्या समझाऊं। मेरी सास मुझसे बहुत लड़ा झगड़ा करती है, मैं उसे क्या समझाऊं क्या कहूं। तो आज एक मैया अच्छे संस्कार दे रही है अपनी बेटी को, क्या बोली बोली है बेटी कि मैया मेरी सासू लड़े है दिन रात, सासू को क्या समझा। सासू से कुछ मत कहियो, चुप रहूंगी कुछ नहीं कहूंगी, मैं सास से नहीं झगड़ा करूंगी। लेकिन और सुनो माँ कि मैया मेरी जेठानी लड़े है दिन रात, माँ बोली अरे तू तो समझदार है, तू तो बहुत धम की बेटी है, बुद्ध अनुआई है, तू अपने घर में हर किसी को समझा बता ले। क्या बोली है, अरे मैया मेरी जेठानी लड़े है दिन रात, जेठानी को क्या समझा। अगर बेटी ऐसी बात है बिटिया तुम्हारी सास भी लड़ती है, कुछ मत कहना, घर के लाज रखो, बेटी का ही धर्म होता है। और बेटी
अगर जिठानी लड़ती है तो सुनो ना कि बिटिया धैर्य धरो, कि बिटिया धैर्य धरो, मन आज जेठानी से कुछ मत कहियो। क्यों कुछ नहीं कहूंगी माँ? माँ कहने लगी बेटी क्योंकि वो बड़ी बहन के समान होती, सास अगर माँ के समान है तो वो आपकी जिठानी बहन के समान है। आज फिर बोली है मम्मी आपको इतना ही नहीं मालूम, और सुनो कि मम्मी मेरी देवरा लड़े है दिन रात, देवरा को क्या समझा। लड़ते हैं तो उनको समझाने की बात नहीं है, करना क्या है? कि बिटिया मेरे जाए बिटिया मेरी जाए दीवारा जवा खेता भेजी भैया को। तुम्हारे देवर खेत में गुड़ाई करें, पानी लगाएं और यहाँ वहाँ सारे खेत का फसल का काम करें, तुम्हारे पति जब घर पे ही रहेंगे तो झगड़ा तो करेंगे ही, इसीलिए जब तुम्हारे देवर कहीं बाहर को काम से जाएं तो अपने पति को भी पीछे से काम के लिए भेजना चाहिए, झगड़ा नहीं होगा। बेटी मेरी चलो धाम की राह,